देखो, वर्क पावर एंड एनर्जी, इसके अंदर तीन चीज़ें इन्वॉल्व हैं। पहला वर्क डन, वर्क डन किसे बोलते हैं ये हम डिस्कस करेंगे, और किन किन सिचुएशंस में वर्क डन क्या वैल्यू देगा ये हम डिस्कस करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे एनर्जी का। दो किस्म की एनर्जी डिस्कस होगी, पोटेंशियल एंड काइनेटिक। और लास्ट स्टेप पावर, पावर हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो आज हम वर्क डन से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं पूरा दिन यहाँ पे खड़े होके लेक्चर देता रहूँ सुबह से लेके रात तक, तो फिजिक्स ये कहती है इस बंदे ने 1 रुपए का काम नहीं किया, क्योंकि फोर्स लगने से अगर डिस्प्लेसमेंट होती है तो ही वर्क डन काउंट होता है, नहीं तो वर्क डन काउंट नहीं होता। और उस हिसाब से आपने भी कोई काम नहीं किया, आप लेक्चर सुन के गए, आप बैठे हैं और आपकी डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो आपका वर्क डन 0 है। हाँ, वो अलग बात है कि आपकी एनर्जी कंज्यूम हो रही है सुनने में और मेरी सुनाने में, तो एनर्जी कंज्यूम हो रही है पर वर्क डन इसमें 0 रहेगा। तो इसमें वर्क इज सेड टू बी डन वेन एवर अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी मूव थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। भैया अगर कोई बॉडी है और कोई बॉडी डिस्प्लेस होती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो हम बोलते हैं कि उसके ऊपर क्या हुआ, वर्क डन हुआ, सिंपल। और अगर वो डिस्प्लेस नहीं होती तो हम क्या बोलेंगे, वर्क डन नहीं हुआ। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वर्क डन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको अगर हम डिस्कस करें, तो इसके लिए आप अपनी प्लीज कॉपी को ओपन कर लें, साथ साथ लिखना शुरू करें। वर्क पावर एनर्जी, तो इसमें आप ये नोट करें कि लेट अस सपोज आपके पास कोई बॉडी है, ये रही ये बॉडी, मान लो डिस्प्लेस हो गई और ये मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई, एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज एस वेक्टर, तो एफ वेक्टर एस वेक्टर। तो वर्क डन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपने छोटी क्लास में भी सीखा होगा, और ज़्यादातर टीचर यही सिखाते हैं कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, ऐसा सिखाते हैं। ऐसे सीख के आए हो, वर्क डन इज एफ इंटू एस, यही सीखा आपने। लेकिन अब क्योंकि आपने प्लस वन कर लिया और आपने क्योंकि वेक्टर्स भी कर लिया, अब फोर्स इज अ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, तो अगर इनके ऊपर मैं वेक्टर लिखता हूँ, अब मुझे ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा दो वेक्टर का प्रोडक्ट है, या तो ये स्केलर होगा या ये वेक्टर होगा, या तो डॉट होगा या क्रॉस होगा। अब डिसाइड कौन करेगा, वर्क डन, वर्क डन इज अ स्केलर, और अगर स्केलर है तो यहां पर कौन सा प्रोडक्ट आएगा, डॉट प्रोडक्ट। तो लिखें वर्क डन का फॉर्मूला एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, वर्क डन इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो अगर मैं इसे ओपन करूं, ओपन करने पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा, एफ एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड एस वेक्टर। जो एफ वेक्टर एस वेक्टर के साथ एंगल बनाएगा वो मान लो एंगल थीटा, तो यहां पर क्या आएगा, वर्क डन का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा। ठीक, तो अब आप ये सोचेंगे कि छोटी क्लास में तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, हमें तो ये सिखाया गया एफ इंटू एस, तो उसमें क्या किया था आपने 9th क्लास में, मतलब ऐसा एंगल क्यों नहीं सिखाया, स्ट्रेट था, क्योंकि आपने जितनी भी प्रॉब्लम्स आज तक की वो सारी की सारी ऐसी थी, ये एफ था और ये एस था, एफ और एस में एंगल हमेशा क्या था, 0, मूविंग इन सेम डायरेक्शन, जिस वजह से आपका वर्क डन आया था एफ एस कॉस 0, कॉस 0 क्या होता है, 1, तो आपका काम शॉर्टकट से चलता था। पर अब ऐसा नहीं होगा, अब एफ और एस में एंगल 0 नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, पर ज्यादातर केस में नहीं होगा, जिस वजह से आपका ये फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला सबसे काम के फॉर्मूलाज होंगे। तो अब हो सकता है एंगल 60 डिग्री हो सकता है एंगल 30 डिग्री हो, तो आप यहां पर क्या करेंगे, एफ एस कॉस 60, एफ एस कॉस 630। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, क्लियर है यहां तक? तो पहला फॉर्मूला सबको क्लियर है वर्क डन का। दूसरा, जैसे इमेजिन करो आपको इसमें ना दो टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे। अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करता हूं तो दो किस्म के न्यूमेरिकल हैं। पहला आपको क्वेश्चन के अंदर वो आपको एफ देगा, जैसे मान लो एग्जांपल है एफ की वैल्यू 10 न्यूटन है,
वो आपको डिस्प्लेसमेंट भी देगा, मान लो 5 मीटर है, और आपको वो फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अंदर एंगल भी देगा, मान लो 30 डिग्री। तो मैंने क्या बताया, वर्क डन का फॉर्मूला लगा लेना, एफ इंटू एस इंटू कॉस ऑफ 30, इतने जूल आंसर आ जाएगा। पॉइंट नंबर वन सही है यहाँ तक, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे टाइप की प्रॉब्लम देगा कि सपोज आपके पास, ये नोट भी कर सकते हैं, सपोज एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर एफ अमाउंट ऑफ फोर्स लग रही है, और मान लो ये फोर्स 10 न्यूटन है, बॉडी का मास 2 kg है, ये बॉडी डिस्प्लेस हो गई, और कितना डिस्प्लेस हो गई, बाय अ डिस्टेंस ऑफ एस। इस क्वेश्चन में ये गिवन है, टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड में डिस्प्लेस हुई, और ये बॉडी किस पे स्टार्ट हुई, एट रेस्ट। ठीक, आपको इन वैल्यूज के साथ कहेगा फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये क्वेश्चन है। तो क्या आंसर होगा इसका, आंसर बोलो, कितने जूल, कितना, 50। सबसे पहले ये देखा जाएगा F कहां पर है, राइट, S भी कहां है, राइट, तो वर्क डन का फॉर्मूला F S cos 0। ठीक है, चेक करते हैं। अब आपको ना इसमें S नहीं पता, तो आपको ये पता है फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ये ब्लॉक के ऊपर एप्लीकेबल है, 10 इज इक्वल टू 2 इंटू ए, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। मैं इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि मेरे को ना एस नहीं पता। अब मैं मोशन का चैप्टर लगाऊंगा, मोशन इन 1D, और एस की वैल्यू निकाल लूंगा, कितनी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन 5 और टाइम कितना है 2 का स्क्वायर, तो एस की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ गई, 10 मीटर। तो एस 10 मीटर आ गया। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, फोर्स कितने हैं 10, एस कितने हैं 10, आंसर कितना आएगा, 100 जूल इज द आंसर। तो पॉइंट नंबर वन समझ में आ रहा है कि कैसे वर्क डन की वैल्यू निकलेगी, मतलब वो आपको फोर्स देगा, लेकिन एस निकलवाने के लिए हो सकता है वो मोशन की हेल्प ले ले, और मोशन की हेल्प से अपने जो भी काइनेमेटिक्स लगा के एस निकलवाए, और वहाँ से एफ इंटू एस पूछ ले। पहला पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, दूसरा तरीका, अगर वो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसमें मैंने बिल्कुल भी वेक्टर्स को यूज़ नहीं किया, मैंने कहीं आई कैप जे कैप की बात भी कहाँ कही, मैं तो बस बोला एफ है, ये एस है, एफ इंटू एस इंटू कॉस 0 से मेरा आंसर आ गया, डन हो गया। लेकिन वो ये भी पूछ सकता है कि सपोज एग्जांपल एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और S वेक्टर इज 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और आपसे ये पूछ लिया जाए फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको ये सिखाया कि जो वर्क डन की वैल्यू है, वर्क डन की वैल्यू है इज F वेक्टर डॉट S वेक्टर, और आप अगर इन्हें ओपन करें तो ये टर्म आएगी, या तो न्यूमेरिकल इससे सॉल्व होगा जैसे पिछला न्यूमेरिकल था, या न्यूमेरिकल इससे सॉल्व हो जाएगा, मतलब या तो ये फॉर्मूला लगा लो या वो लगा लो, बात तो एक ही है। ये कब लगेगा, जब सब कुछ आई कैप जे कैप वेक्टर की फॉर्म में गिवन होगा, जैसे इसमें गिवन है, तो मैं फॉर्मूला क्या यूज करूंगा, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, एफ वेक्टर को पुट करूंगा आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डॉट, एस वेक्टर की जगह 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, कुछ ऐसे। क्या ये स्टेप यहाँ तक क्लियर है, तो वर्क डन की वैल्यू समझ में आ रही है कैसे निकलेगी, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर से। अब मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लूँगा, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ करूँगा, और के को के साथ, कितना आंसर आ रहा है, 7 जूल इज द आंसर। तो नोट कर लेना है,
दोनों मेथड। तो दोनों पॉइंट क्लियर है कि वर्क डन की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो ये मेथड क्लियर है सबको यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? तो वर्क डन की वैल्यूज के दो टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे, समझ में आ रहा है कैसे करने हैं? ठीक, ये तो बेसिक ऑफ वर्क डन है। ठीक, तो ये तो चलो पहला वर्क डन तो फॉर्मूला में कुछ भी नहीं किया, फॉर्मूला वैल्यूज पुट किया और कुछ भी नहीं किया, इसमें ये आंसर आ गया, राइट।